और इस बीच एक बड़ी खबर, यादव सिंह मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि यादव सिंह पर तमाम तरीके के घोटाले के आरोप लगे और इस बीच जगह जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन इस मामले में अब पहली गिरफ्तारी हुई है। रामेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर था रामेंद्र, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। यादव सिंह को ये रिपोर्ट करता था। तो आपको बता दें कि पल पल की खबर जो है इंडिया 24/7 ने दिखाई थी और अब उस खबर पर कह सकते हैं उसका असर भी हो गया है। पहली गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। अमित, कहां से हुई है रामेंद्र की गिरफ्तारी और उसके बैकग्राउंडर के बारे में और क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए दिव्या, रामेंद्र के बारे में अगर बात की जाए तो रामेंद्र सबसे बड़ा राजदार है यादव सिंह का। और शुरुआती तौर पर जब थाना नोएडा के थाना सेक्टर 39 में 954 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज किया गया था, तो उसमें रामेंद्र को भी नाम दर्ज यादव सिंह के साथ कराया गया था। और रामेंद्र शुरुआती तौर पर बीएसपी शासनकाल के में जब यादव सिंह को शक्तियां दी गई थी और तमाम नोएडा प्राधिकरण के जो टेंडर थे वो दिए जाते थे, तब से रामेंद्र राइट हैंड यादव सिंह का माना जाता था। और जिस वक्त यादव सिंह के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उस वक्त भी रामेंद्र वहां पर पहुंचा था। उसको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है, तब भी कुछ टेंडरों की डील कराने के लिए वो वहां पर पहुंचा हुआ था। तो शुरुआती तौर से अभी तक जब से सीबीआई ने इस मामले को हाथ में लिया है और केस रजिस्टर्ड किया है, तब से अभी तक रामेंद्र से बार पूछताछ की जा चुकी। बिल्कुल अमित, और पीटीआई के हवाले से हालांकि ये खबर है, लेकिन जिस तरीके से रामेंद्र की गिरफ्तारी है, अब ये माना जाए कि कई और अहम राज सामने आ सकते हैं। बिल्कुल दिव्या, इस मामले में जो सीबीआई के सूत्र हैं या नोएडा प्राधिकरण के जो सूत्र हैं, वो अभी तक की सीबीआई की जांच के मामले में ये चीज निकल कर आ रही है कि मार्च तक हो सकता है कि करीब 150 के आसपास नोएडा प्राधिकरण के यादव सिंह के साथ में शामिल रहे गिरफ्तार अधिकारी और बिल्डर और कॉन्ट्रेक्टर, जो तमाम घोटालों को जो लोग अंजाम दिए हैं, करीब 150 लोगों के आसपास की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। इस चीज का भी जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से रामेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से एक चीज साफ हो जाती है कि रामेंद्र ने ऐसे कई राज यादव सिंह और उसके जुड़े नेटवर्क के सीबीआई ने तोड़ लिए यादव सिंह से, जिस चीज का सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हो गया। उसके बाद कल सुबह से लगातार रामेंद्र को रखा हुआ था। कल रात भी रामेंद्र ने जब अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर की तो सीबीआई ने उसको जाने नहीं दिया। नोएडा प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी को सीबीआई की तरफ से कॉल किया गया और उसके जो कपड़े हैं वो वहां मंगाए गए थे। आज भी लगातार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सीबीआई से रामेंद्र के बारे में जानकारी लेते रहे और रामेंद्र की गिरफ्तारी। अच्छा अमित, ये बताइए कि अब इस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके का हड़कंप जो है देखा जा रहा है प्राधिकरण में? देखिए दिव्या, जो हड़कंप है वो काफी हड़कंप अधिकारियों में देखा जा रहा है और अधिकारियों के साथ साथ कई पॉलिटिकल लोग जो यादव सिंह के साथ में मौजूद थे, उनमें कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट यादव सिंह ने दिए थे उनमें, उसके अलावा यादव सिंह ने जिन अधिकारियों से अपने रसूख के दम पर काम कराया, वो अधिकारी भी काफी डरे हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो उसके साथ मिलकर इस नेटवर्क को चलाया करते थे। कई काफी बड़े घोटाले हैं, कई यहाँ के ऐसे टेंडर हैं जो यादव सिंह ने अपनी रसूख के चलते कई अलॉटमेंट या कई कॉन्ट्रैक्ट या कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया, कई कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाया गया। उसमें कई नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जो डायरी यादव सिंह के पास से मिली थी उस डायरी में कई नेताओं के भी नाम है। तो तमाम नेटवर्क को सीबीआई ने सीबीआई बहुत करीब है और इस मामले में बहुत जल्दी चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट। अच्छा हमें ये बताइए कि गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ ऐसे और सबूत हाथ कुछ लगे हैं सीबीआई के, जिसके चलते इसकी निशानदेही पर कुछ और सुराग जुटाए जा सके? देखिए दिव्या, रामेंद्र की गिरफ्तारी से पहले अभी 2 दिन पहले सीबीआई ने नोएडा के कई इलाकों की सड़कें खोदी थी। 954 करोड़ घोटाले में जो अंडरग्राउंड वायरिंग का काम किया गया था वो 147 करोड़ रुपए का काम था और उस काम को वो काम वहां पर हुआ है या किस गुणवत्ता के साथ हुआ है, जो बिल या जो पेपर वहां पर लगाए गए थे, उन तमाम चीजों की जांच की गई। और कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो संदेह के घेरे में थे, यादव सिंह की प्रॉपर्टी को लेकर भी सीबीआई ने अभी पिछले दिनों एक खुलासा किया था कि करीब 250 करोड़ की प्रॉपर्टी यादव सिंह के पास है, उसको लेकर उनकी पत्नी कुसुम लता, उनका बेटा सनी यादव और उनके जो बिजनेस पार्टनर थे मनोचा या जो भी लोग उस दायरे में रहे थे, वो सब लोग सीबीआई की रडार पर हैं। और माना यह जा रहा है कि रामेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब रोजाना किसी ना किसी आदमी की गिरफ्तारी होगी, कई ऐसी बड़ी। बिल्कुल, तो इंडिया 24/7 ने घोटाले से जुड़ी हुई पल पल की खबर आप तक पहुंचाई थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यादव सिंह मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए।